हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। आई होप यू हैव डन एक्सरसाइज 1.2 एंड 1.1 और आपको समझ भी आ गई होगी। अब एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, इसमें सिर्फ तीन ही क्वेश्चंस हैं बस। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल। हमें ये प्रूफ करना है कि √5 जो है इरेशनल है। पता तो हमें है कि √5 इरेशनल है, लेकिन हमें प्रूफ करके बताना है स्टेप। तो पहला स्टेप है कि √5 जो है ना इरेशनल है। हम इसको एज्यूम करेंगे कि रेशनल है, ठीक। तो लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी का मतलब है कि भ्रम, ये हम भ्रम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं दैट √5 इज अ रेशनल नंबर। √5 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम √5 अगर रेशनल है तो आपको सिंपल तरीका बताऊं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, जो a अपॉन b की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और a और b जो होते हैं को प्राइम नंबर्स होते हैं। इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होता है, इनका कॉमन फैक्टर जो होता है 1 होता है दोनों में, ठीक। तो अब देखो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे। अगर √5 रेशनल नंबर है तो √5 का मतलब हो गया कि √5 इज इक्वल टू a अपॉन b हो जाएगा, ठीक। बिकॉज a एंड b आर को प्राइम नंबर्स, कोई भी को प्राइम नंबर्स है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहां लिख देती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी। a को नीचे तो लाना नहीं है तो b ऊपर चला जाएगा। तो मेरा अगला स्टेप ये बन जाएगा कि √5b इक्वल्स टू a, ठीक। अब हम करेंगे इसमें नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स हम स्क्वायर कर देंगे। दोनों साइड स्क्वायर करने का मतलब है √5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। अब एक चीज नोट करो आप कि इसमें जब √5 का स्क्वायर है तो दैट मीन्स √5 मल्टीप्लाई √5 और b इंटू बी हो जाएगा, है ना। ये a इंटू a हो जाएगा, तो रूट से रूट कट जाएगा, ये 5 आ जाएगा, सिंगल नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई b का स्क्वायर तो एज इट इज रह जाएगा और a का स्क्वायर भी रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 5b का स्क्वायर इक्वल्स टू a का स्क्वायर। ये आंसर आया। एक्चुअली ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो और डायरेक्ट, ये जिनको ये स्टेप्स पता है वो स्टेप स्किप कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो स्टेप्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें लिखेंगे अगर इसको मैं नीचे लेकर जाऊंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है a का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। a का स्क्वायर जो है वो डिवाइड हो सकता है 5 से। इसका मतलब खाली a, मतलब सिंगल a भी डिवाइड हो सकता है डिविजिबल बाय 5 से। दैट मींस, इसको मैं समझाने के लिए आपको यहां पर लिख रही हूं, इसका मतलब ये है कि a का फैक्टर 5 है। a का फैक्टर जो है ना 5 है। अगर a कोई नंबर है तो उसके फैक्टर्स में 5 निकलेगा, ठीक। अब ये स्टेप्स में लिखना है, ये स्टेप्स है, जहां रेड पेन से एरो का निशान लगा रही हूं वो स्टेप्स है, ठीक। तो अब क्या करेंगे कि लेट एज्यूम कर लेंगे हम a कोई नंबर है। लेट एज्यूम, लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू 5c। क्यों? क्योंकि a का फैक्टर 5 है, तो a का फैक्टर तो 5 मानना पड़ेगा। c कोई नंबर मान लेते हैं,
यहाँ लिख देते हैं वेयर सी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, जहां पर सी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, ये स्टेप हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ये जो है हमारी इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन यहां तक का एक बार क्वेश्चन चेक कर लो। स्टेप बाय स्टेप जो मैंने रेड पेन से एरोज लगाए हैं ना, वो फिक्स स्टेप है, उनको फिक्स स्टेप में ही आप करोगे। ठीक, अब इसके बाद ये इक्वेशन वन जब हो गई हमारी, तो हम अब लिखेंगे पुट, ये स्टेप है, ये भी स्टेप है, पुट ए इज इक्वल टू 5c, ये ए इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में ना ये हम a इज इक्वल टू 5c डाल देंगे, मतलब यहां पर a 5c हो जाएगा तो 5c का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर है तो 5c का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ये वन थी इक्वेशन, और इसके अंदर वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो a की जगह हमें 5c डालना है, जो कि 5c का स्क्वायर हो जाएगा। बस कुछ नहीं किया मैंने, ये किया है। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, ये 5 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू सी हो गया। ठीक, तो ये 5b का इक्वल टू 25 का c का स्क्वायर, ये आंसर आ गया। ठीक, अब आप देखो नेक्स्ट स्टेप में 5 अपॉन 25 आ जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ c स्क्वायर खाली रह जाएगा। ठीक, अब 5 से कट दें, 5 अंदर 5 5 5 5 25, 1 अपॉन 5 b का स्क्वायर इक्वल्स टू c का स्क्वायर, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मेरा आ जाएगा b का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 c का स्क्वायर। ठीक, अब क्या, अब आप यहां देखो कि a का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 b का स्क्वायर आ रहा था, अब यहाँ पर b का स्क्वायर इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर आ रहा है, सेम यही वाली चीज यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर अगेन हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब b का फैक्टर 5 है, यहाँ a का फैक्टर 5 था, यहाँ b का फैक्टर 5 है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम अगर कोई ना कोई और इसको मान लेंगे, एक और नंबर, एक और लेट अज्यूम करके नंबर करेंगे, तो ये ऐसे 5 कॉमन आता जाएगा, जबकि हमें क्या चाहिए, को प्राइम नंबर, को प्राइम होना चाहिए था इस इक्वेशन के हिसाब से, को प्राइम होना चाहिए था, फैक्टर वन आना चाहिए था, ना कि कोई नंबर आना चाहिए था। ठीक, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 5, वन नहीं आ रहा, 5 आ रहा है। ठीक है, हमें 1 चाहिए था क्योंकि को प्राइम नंबर में 1 आना जरूरी है, लेकिन यहां पर नंबर आ रहा है, तो इसलिए हमारा कॉन्ट्रडिक्शन, हमारा भ्रम जो है वो गलत है, रूट 5 जो है रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता, हेंस प्रूव्ड कि रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लिखेंगे बट ए एंड बी should have co-prime factor 1, co-prime factor 1 होना चाहिए था। ठीक, इसके बाद लिखेंगे this contradiction is arisen
ये भ्रम हमारा गलत है बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलत एज्यूम कर लिया था, ये हमारा कॉन्ट्रोडिक्शन गलत है। ये लास्ट वाले पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, सो लास्ट पॉइंट है ये, सो वी कैन से रूट फाइव इज इरेशनल नंबर, या हेंस प्रूव्ड रूट फाइव इज इरेशनल। आप एक बार चेक कर लो, ऐसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है। और एक चीज और, इसके अंदर जैसे ये रूट फाइव निकाला है, रूट फाइव, रूट थ्री, रूट सेवन, रूट इलेवन, ठीक है, इन सबको भी सेम स्टेप से फॉलो करोगे, सेम स्टेप फॉलोज, इनको भी इरेशनल प्रूफ करने के लिए, इरेशनल प्रूफ के लिए, इन सब नंबर्स को भी इरेशनल प्रूफ के लिए यही स्टेप्स को फॉलो करोगे आप। क्लास टेंथ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.3 का, प्रूव दैट 3+2 रूट 5 इज इरेशनल। यहां भी प्रूफ ही करना है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमें प्रूफ ही करना है, ठीक। तो वो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, और जो स्टेप्स मैं लिखवाऊंगी वो आपको एज इट इज स्टेप्स करनी है, ठीक। अब देखो, वी ऑलरेडी नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट रूट फाइव इज इरेशनल। हमें ऑलरेडी पता है कि रूट फाइव जो है ना इरेशनल है, बट हमें प्रूफ करना है तो हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि वो रेशनल नंबर है। तो लेट अस एज्यूम दैट, एज्यूम द कंटेरी दैट 3+2 रूट 5 इज रेशनल। ये हमें एज्यूम करना है, ठीक। अब जब हम एज्यूम करेंगे तो रेशनल है तो इसका मतलब a अपॉन b में होना चाहिए, ठीक। अब यहां पर 3+2 रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक। अब 2 रूट 5 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 3, इसको एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम लेके प्रूफ कर देंगे इसको। एलसीएम लेके प्रूफ करेंगे तो 2 रूट 5 इज इक्वल टू b का एलसीएम लिया b, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा नीचे, और a माइनस 3b, ठीक। अब ये 2 यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, 2b आ गया। अब यहां पर हम साफ साफ दे सकते हैं कि ये दोनों a अपॉन b की फॉर्म में आ गए, मींस ये तो रेशनल नंबर हो गया, बट हमें पता है रूट 5 इरेशनल है, प्रूफ भी कर चुके हैं हम। और बट फिर एक बात और है कि ये पूरी इक्वेशन यहां पर एक है, ये तो है नहीं कि हम इसको रेशनल नंबर प्रूफ कर दें और इसको इरेशनल प्रूफ करना है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन में पूरी एक ही टर्म है ये, तो हेयर वी कैन सी a माइनस 3b अपॉन 2b इज रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b या p अपॉन q कर लो, और ठीक। वी ऑल्सो नो दैट
also know that root 5 is irrational. ठीक, so our assumption is incorrect, hence 3 + 2√5 is irrational number. अब मैं इसको स्टेप्स मार्क कर देती हूँ. ये आपको स्टेप्स रेड पेन से जो मार्क है ये आपको करने ही करनी है स्टेप्स. इनमें आपको कुछ नहीं कम करना, ये फिक्स है स्टेप्स आपके. देख लो क्वेश्चन, क्वेश्चन पूरा हो गया है. ऐसे ही एक एक स्टेप आप करोगे. एरो लगा के आप भी स्टेप मेंशन कर सकते हो. ठीक है. हाँ जी, क्लास टेंथ 1.3 का क्वेश्चन थर्ड. प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स. फर्स्ट पार्ट है 1/2, सेकंड है 7√5 और थर्ड है 6 + √2. अब हम पहले सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके पीछे भी रूट फाइव है. तो क्वेश्चन नंबर 2 अभी हमने सॉल्व करा है जिसमें रूट फाइव का भी मैंने आपको एक्सप्लेन बताया था. तो पहले सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं रूट फाइव वाला. सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं. लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 7√5 is rational. 7√5 is rational मान लिया हमने. तो 7√5 rational का मतलब है a upon b, ठीक, is equal to a upon b. ये नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट फाइव इज इक्वल टू a upon 7b. अब आप ये देख सकते हो ये रैशनल फॉर्म में आ रहा है. अगर ये रैशनल फॉर्म है तो इसका मतलब ये भी रैशनल फॉर्म है. बट हमें पता है रूट फाइव इरेशनल है, हम प्रूफ कर चुके हैं. हेयर वी कैन सी a अपॉन 7b इज रैशनल. सो रूट फाइव इज ऑल्सो रैशनल क्योंकि दोनों इक्वल्स टू में है. रूट फाइव भी रैशनल होना चाहिए. But we know that root 5 is irrational. ठीक, so or लिख और hence, so or hence 7√5 is rational. Our contradiction is wrong. Our contradiction, हमारा भ्रम, हमारा एज्यूम गलत था. 7√5 इज रैशनल, ठीक है, इरेशनल सॉरी. तो इसके स्टेप्स मेंशन कर दें. ये रिटर्न वाला तो आप सारा ही लिखोगे क्योंकि तभी आप अपनी बात को प्रूफ कर सकोगे. सेकंड पार्ट डन हो गया. हाँ जी क्लास, अब हम करेंगे 1.3 का क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट. प्रूफ करना है इरेशनल है और ये हम कर चुके हैं. ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका होमवर्क है. तो ट्राई टू सॉल्व, अगर नहीं आएगा तो मैसेज में. ठीक, फर्स्ट इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो वही स्टेप करना पड़ेगा. लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी that 1/2 is rational. ठीक, अगले स्टेप में 1/2 अगर रैशनल है तो ये a अपॉन b की फॉर्म में होना चाहिए. तो a अपॉन b लिख दिया और a एंड b r को प्राइम भी लिख दिया. ठीक, अब
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू रूट टू ए। ठीक, और अगर मैं टू रूट टू यहां छोड़ दूं तो b अपॉन a हो जाएगा इज इक्वल टू रूट टू। वी नो दैट पीछे की तरह कि b अपॉन a इज इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की फॉर्म में है। ठीक, बट रूट टू इज इरेशनल, इरेशनल है रूट टू। ठीक है, सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, हमने गलत मान लिया था इसलिए हमें ये भ्रम हो गया था कि रूट वन अपॉन टू रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है। अब एक बात, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया था कि रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, रूट इलेवन प्रूफ करने के लिए इरेशनल के लिए सेम स्टेप फॉलो होंगे, फॉलो सेम स्टेप्स, बट इसमें मैं रूट टू बताना भूल गई थी। तो रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन और रूट इलेवन, इन स्टेप्स को इरेशनल करने के लिए क्वेश्चन नंबर वन का फॉलो सेम स्टेप्स, फिर आपको बार बार नहीं ये प्रूफ करना पड़ेगा हर जगह। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो गई है।